हेलो फ्रेंड्स, पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम पाइथन के लॉजिकल प्रोग्राम्स को समझेंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो रहेगा, ठीक है। पाइथन के बेसिक्स के लिए सीरीज अलग है और पाइथन जीयूआई प्रोग्रामिंग के लिए भी अलग सीरीज है, और पाइथन वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए जो पाइथन डी जेंगो है उसकी सीरीज़ मैंने अलग बनाई है, और एक हम नया सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और वो रहेगा पाइथन के लॉजिकल जो एग्ज़ाम्पल्स रहेंगे वो हम इसमें कवर करेंगे। तो मैं एक अलग से फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और इसको मैंने नाम दे दिया पाइथन लॉजिकल प्रोग्राम्स। ठीक है, मैंने एक फोल्डर बना दिया पाइथन लॉजिकल प्रोग्राम्स, और इसके अंदर जाके हम एक नया फाइल बनाते हैं, राइट क्लिक करके न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, नाम दे दिया वन। ठीक है, वन नाम दे दिया और मैंने इसको यहाँ पे दे दिया एक्सटेंशन पी वाई। ठीक है, अब इसको राइट क्लिक करके मैंने नोटपैड प्लस प्लस के साथ ओपन कर लिया। ठीक है, आप कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हैं, आइडल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो सबलाइम का भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं जो है नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल हम देखने वाले हैं, पहले हम कमेंट लिख देते हैं यहाँ पे। हम एक आज प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम एरिया कैलकुलेट करेंगे रेक्टेंगल का। ठीक है, पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट, पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे हम हायर लेवल के प्रोग्राम्स, लॉजिकल प्रोग्राम्स पे जाएंगे। पाइथन प्रोग्राम्स टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो फ्रेंड्स, एरिया कैलकुलेट करना है मुझे रेक्टेंगल का, मतलब मुझे विड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है, बट ये W और H के अंदर मुझे वैल्यू चाहिए, वैल्यू की ज़रूरत रहेगी। तो W के अंदर मैंने कुछ वैल्यू असाइन कर दी 5, एक W वेरिएबल हो गया और एक हाइट वेरिएबल हो गया H। विड्थ और हाइट के अंदर मैं कुछ वैल्यूज असाइन कर देता हूँ 5 और 10। ठीक है, अब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया और जो रिज़ल्ट आया वो स्टोर कर लिया एक एरिया नाम के वेरिएबल में। इसको चाहूँ तो मैं फुल फॉर्म में ही लिख देता हूँ या W और H ले लेता हूँ। एरिया का नाम में, एरिया नाम का मैंने वेरिएबल बना दिया, W मल्टीप्लाई H करके जो रिज़ल्ट आया वो एरिया के अंदर असाइन कर दिया। अब इसको मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैंने प्रिंट का यूज़ किया और यहाँ पे मैसेज दे दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब ये तो एक स्ट्रिंग है, मतलब टेक्स्ट है जो डबल कोट्स के अंदर लिखा है वो एजेटिस आता है, और एरिया हमारा वेरिएबल है, तो ये हमने यहाँ पे वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो मैंने ओपन किया कमांड विंडो को, ठीक है, मैंने क्या किया, जहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है वहीं पे मैंने शिफ्ट के साथ राइट क्लिक किया, ओपन कमांड विंडो हियर पे चले गए, और मैंने लिखा वन डॉट पी वाई, जो फाइल का नाम था उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे किधर आ रही है, कैन ओनली कॉन्केटनेट एस टी आर नॉट इंट टू एस टी आर। अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि मैं जो कॉन्केटनेशन कर रहा हूँ, प्लस क्या है यहाँ पे कॉन्केटनेशन का वर्क कर रहा है, तो कॉन्केटनेशन जो रहेगा स्ट्रिंग्स के बीच में होगा, ठीक है, और ये इंटीजर है, यहाँ पे जो रिज़ल्ट इसके अंदर असाइन होगा वो तो एक इंटीजर असाइन होगा, 5 मल्टीप्लाई 10 हो के जो रिज़ल्ट आएगा वो एरिया के अंदर असाइन हो जाएगा। तो मुझे इस एरिया को स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एस टी आर। ठीक है, मैंने सॉरी, टाइप कास्टिंग जो यहाँ पे होता है वो इस तरीके से नहीं होगा, एस टी आर एज़ अ फंक्शन रहेगा, एज अ मेथड रहेगा। तो एरिया को हम क्या कर देंगे, टाइप कास्ट कर देंगे एस टी आर मेथड का यूज़ करते हुए।
ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। str मेथड का मैंने यूज़ कर दिया ताकि स्ट्रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और ये मैसेज आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल 50। ठीक है, सिमिलरली आप पेरीमीटर कैलकुलेट कर लो, तो इसी को मैंने कॉपी किया। एक और वेरिएबल मैंने बना दिया यहाँ पे पेरीमीटर, ठीक है, और पेरीमीटर का मैंने फॉर्मूला लिख दिया 2 मल्टीप्लाई विथ प्लस हाइट। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई विथ प्लस हाइट या एल प्लस एल और बी भी आप ले सकते थे, लेंथ और ब्रेड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे मैंने PER को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे एरिया भी कैलकुलेट होके आ गया। वो पेरीमीटर भी कैलकुलेट होके आ गया। ठीक है, आप चाहें तो वैल्यू यूज़र से भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लूँ तो मुझे यूज़र से वैल्यू मिल जाएगी। इनपुट के अंदर हम कुछ मैसेज दे सकते हैं, एंटर विड्थ इसी तरीके से मुझे हाइट भी लेना है, तो यहाँ पे लिखा एंटर हाइट HEIGHT, सेव किया, एंटर विड्थ का मैसेज आ गया, तो मैंने विड्थ एंटर कर दिया 2 और हाइट एंटर कर दिया 5। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो वैल्यू हम यूज़र से ले रहे हैं वो इंटीजर टाइप की नहीं है। हमने नंबर तो पास किया है बट इनपुट से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो स्ट्रिंग के फॉर्म में मिलेगी, तो हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज़ कर लेता हूँ। तो दोनों को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट किया और अब मैं प्रिंट करवाता हूँ। अब पहले तो मैं वैल्यू इनपुट करवा लेता हूँ, एंटर विड्थ, तो मैंने यहाँ पे विड्थ दे दिया 2 और हाइट में दे दिया 5। तो अब आप देख रहे हैं रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, पहले हो गया 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो ये 10 आ गया। फिर 2 मल्टीप्लाई W+H, मतलब W+H हो गया आपका 2+5 हो गया 7, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 आ गया। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा पहला पाइथन का लॉजिकल प्रोग्राम। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।